नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तंदूरी मोमोज, जो बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद है। तो आज हम तंदूरी मोमोज घर में ही बनाएंगे। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। घर वाली सामग्री है एक पत्ता गोभी मीडियम, एक गाजर, एक बड़ा प्याज कटा हुआ, काली मिर्च, लाल मिर्च और मैदा और नींबू। तो चलिए बनाते हैं। हम देखिए हमारा पैन गरम हो गया। अब इसमें हम डालेंगे सारा पत्ता गोभी। अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें डालेंगे हम कटा हुआ जो गाजर ले रखा था वो। आप गाजर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पीले वाला जो गाजर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ये डालेंगे हम प्याज जो काट के रखा था। अब इसको हम अच्छे से पानी सूखने तक इसको ऐसे ही चलाएंगे और डालेंगे इसके अंदर हम बटर। ये देखिए, और डालेंगे हम काली मिर्च आधा चम्मच है, नमक भी हमने एक चम्मच। अब इसको अच्छे से हम पानी को सोता करेंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा पक गया है, अब इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये ज़्यादा भी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, नहीं तो खाने में मोमोज अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया। ये देखिए, अब हम इसको ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे, तब तक हम डो लगाएंगे। तो चलिए इसको हम गैस को बंद करते हैं, इसको ठंडा होने तक इसका वेट करते हैं। हम मोमोज के लिए आटा लगाएंगे। मैं इससे 2 कप लूँगी आटा, 2 कटोरी आटा लूँगी मैं। कम से कम 250 ग्राम आटा है ये। अब चलिए हम इसको एक आटा जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाना है इसको, ज़्यादा इसको ढीला नहीं करना है आटे को, ऐसे ही लगाएंगे, टाइट ही आटा इसका लगाएंगे। और इसमें घी या रिफाइंड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तंदूरी मोमोज है तो इसलिए हम इसमें घी या रिफाइंड नहीं डालेंगे। तो जैसे आटे लगाते हैं हम लोग टाइट टाइट, वैसे ही आटा इसका लगाएंगे टाइट में। देखिए ये अब हमारा आटा लग के तैयार हो गया। अब हम आटे को 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए हमारा आटा ये 10 मिनट हो गया है और बहुत अच्छा सॉफ्ट भी है, मुलायम भी है और ठीक है हमारे मोमोज के लिए। तो चलिए हम इसको छोटे छोटे गोल गोल बॉल्स बना लेंगे पहले। तो जो हमने बॉल बना के रखे थे उसके सारे हम ऐसे ऐसे ही रोटी बनाएंगे। और रोटी को ज़्यादा ना बारीक नहीं करेंगे, जैसे मोमोज में रोटी बारीक कर देते हैं ना, इसको पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। देखिए इसको हम बेलेंगे, जो सारी लोइयाँ हमने काटी थी ऐसे ही सबको बना लेंगे। और हम थोड़ा मोटे में ही रखेंगे इसको, मोमोज को जो तलेंगे उसके बाद। हम इसको स्टीम तो करना नहीं है, इसको तलना है। स्टीम आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसको तल के ही बनाएंगे, नहीं तो स्टीम करेंगे फिर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही हल्का हो जाएगा, फिर हमें इसे तंदूरी मोमोज बनाने में दिक्कत होगी। तो चलिए हम इसको स्टीम करके आप बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा ये सारे। तो देखिए पहले हम इसको किनारे किनारे पानी लगा लेंगे। और देखिए हमने 1 से 1.5 चम्मच इसमें लिया है सामग्री, और आप ऐसे स्टेप बाई स्टेप, देखिए ये स्टेप बाई स्टेप आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे करके ये हमें ऐसे लेना है, फिर इसको ऐसे घुमा के ऐसे लेना है, फिर इसको हमें ऐसे घुमा के ऐसे कर देना है, और ये ऐसे करके आपको मोड़ लेना है। सारे हम मोमोज ऐसे ही बना लेंगे, ऐसी शेप में बना लेंगे हम, ऐसे ही सारे मोमोज बना लेंगे। और हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए हम फ्राई करते हैं, पर इसे हमें ज़्यादा तेज़ हाई फ्लेम पे और ना लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म करना है और बनाना है। ऐसे हम सारे मोमोज को बना के फ्राई करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको फ्राई, सारे मोमोज बनाने के बाद फ्राई करते हैं। तो 4 चम्मच हम डालेंगे बेसन, बेसन भुना हुआ है ये हमारे पास, 1/2 चम्मच है गरम मसाला, 1 चम्मच है चाट मसाला। अब हम 4 चम्मच लेंगे दही, 1/2 चम्मच
काला नमक, एक चम्मच सादा नमक, इसको मिक्स करेंगे। भुना हुआ बेसन ना हो तो आप चना जो आता है भुना हुआ बिना छिलके वाला, उसको भी पीस के ले सकते हैं आप। हमने इसको मिक्स कर लिया है, ये थोड़ा सा हार्ड था, इसमें हमने एक दो स्पून पानी डाला था इसके अंदर ताकि ये गीला हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची, एक चम्मच लाल मिर्ची, फिर धनिया, ये चार चम्मच। हमारा बिल्कुल हाई फ्लेम पे गरम है तेल। अब हमारा ये जो मिर्ची है और धनिया है इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा नींबू और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। अब हम इसको मार्केट जैसा तंदूरी दिखने के लिए हम डालेंगे एक पिंच कलर, जिससे हमारे बहुत ही बढ़िया कलर दिखेगा। ये देखिए दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया कलर। अब देखिए हम इसमें सारे मोमोज अपने हम इसके अंदर डाल देंगे और इस पर अच्छे से कोटिंग करेंगे इसकी। तो देखिए कितना अच्छा हमने इस पर कोटिंग कर आ गई है हमारी। लहसुन अदरक का पेस्ट, अब हम इसको तंदूरी स्टाइल में बनाएंगे। अब इसको हम गैस पे कोयला गरम करेंगे, के बीच में एक कटोरी रखेंगे, गरम करके हम कोयला को रख देंगे। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच घी, और घी डालते ही हम इसको ढक देंगे जिससे ये इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो देखिए हमारे 20 सेकंड हो गया, अब इसको निकाल देंगे हम। ज़्यादा धुआं नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इसमें ज़्यादा कड़वापन आ जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसमें तंदूरी फ्लेवर आ गया है। अब चलिए हम इसको ऐसे करके स्टिक कर लेंगे इसको। देखिए हमारा ये बिल्कुल तंदूरी मोमोज बनके तैयार हो गया। देखिए हम सारे मोमोज ऐसे ही तंदूरी की तरह बना के रख ले। देखिए हमने प्याज और मेयोनी के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहें तो हरी चटनी और सहजवान की चटनी के साथ भी आप इसको खाने का इसका लुक उठा सकते हैं। तो देखिए खाइए और एंजॉय कीजिए, खा के ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना था। तो देखिए हमारा बनके ये मोमोस तंदूरी मोमोस तैयार हो गया, और इसको आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। तो आप घर में ही बनाइए और खाइए, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।